हेलो अर्जुन, मनोज के घर पे है। अर्जुन मेघा, जीवन सोसाइटी के आसपास का जितना भी इलाका है ना, सारा सील करवाओ। नाकाबंदी चाहिए। तेरे को पता है मैं ये फ्लैट किराए पे लिया है, 12 लाख किराया भरना पड़ रहा है, वो भी एक मुर्दे के लिए। मेगावर्स सिंह सीरियल के आने वाले ट्रैक में हमें काफी एक्साइटिंग ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। कहानी में अब तक हमें देखने को मिला था कि मेघा हमारी पहुंच चुकी है मनोज के पीछे उसकी सच्चाई जानने के लिए, और इसी बीच मेघा के पीछे पीछे अर्जुन भी पहुंच जाता है मेघा का साथ देने के लिए। वहीं दूसरी तरफ हमें देखने को मिला कि किस तरीके से यहाँ पर मनोज ने मेघा के पापा जी पर हमला करने की कोशिश की और उनकी हालत फिलहाल के लिए बेहद क्रिटिकल है और उनका इलाज चल रहा है हॉस्पिटल में। तो वहीं दूसरी तरफ इस बार हमारे अर्जुन और मेघा मिलकर मैथ्यू सारी सच्चाई को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर उन्हें पता चलता है कि हो ना हो मनोज का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है और ये किडनी देने वाली यानी कि किडनी डोनर कोई और नहीं बल्कि नुपुर शर्मा है। और इसी सच्चाई का पता इस बार हमारे अर्जुन और मेघा दोनों मिलकर लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ यहां पर मेघा के मन में कई सारे सवाल उठ रहे हैं नुपुर को लेकर, और अचानक से उसके दिमाग में नुपुर याद आती है और वो फ्लैट याद आता है जहां पर मैथ्यू यानी कि मनोज आया था। अब यहां पर मेघा अकेले ही पहुंच जाती है इस फ्लैट में नुपुर शर्मा के बारे में पता लगाने के। तो वही दूसरी तरफ हमें देखने को मिल रहा है कि अर्जुन पहुंच चुका है भेस बदल कर उस डॉक्टर के पास जिसने मनोज यानी कि मैथ्यू का किडनी ट्रांसप्लांट किया है। वही दूसरी तरफ हमें कहानी में देखने को मिल रहा है कि मेघा जो है वो हर तरफ घर में यानी कि मैथ्यू के फ्लैट में नुपुर शर्मा को ढूंढने की कोशिश करी। और इसी बीच आपको बता दूं कि एक बेहद बड़ा मोड़ आ जाएगा जहां पर इस बार मनोज पहुंच जाएगा उसी फ्लैट में जहां मेघा मौजूद है, और इस बार उसने मेघा को पकड़ लिया रंगे हाथों। और यहां पर हमें देखने को मिलेगा कि मनोज इस बार मेघा के ऊपर काफी सारे हमला करने वाला है। तो वहीं दूसरी तरफ इस बार अर्जुन ने अरेस्ट कर लिया इस डॉक्टर को। तो मतलब ये देखना बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है कि किस तरीके से इस बार अर्जुन मनोज की सच्चाई सबके सामने लेकर आएगा।